ओके, आज मैं नाजिया के घर पे हूँ, बुधवेल राजेंद्र नगर। और ये जो हादसा हुआ ये बड़ा दर्दनाक है, बड़ा अफसोस है हम सबको। अब रही बात नाजिया को इंसाफ दिलाना है, और हाल हकीकत ये है कि जहां पर इन्हें काम करते थी वहां पे जो ओनर मधु यादव, ये लड़की को ऊपर बुला के लेके गया, जबरदस्ती करा, चार दिन से चल रहा था ये। उसके बाद बच्ची नीचे आती और सुसाइड कर लेती। तो यहां पर शुरुआत में पुलिस 354 आउटरीजिंग द मॉडेस्टी और उसके साथ साथ 306 अबाइटमेंट टू सुसाइड, क्योंकि इसके वजह से वो लड़की सुसाइड करी। बल्कि फिर जैसा केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई एंड केस आगे बढ़ा, पुलिस वाले बेहतरीन काम करे बगैर प्रेशर के। उसके बाद में उन्होंने 354 रखे, 306 रखे, और उसके अंदर 376 टू के, ये है निर्भया एक्ट। और ये जो सेक्शंस है और ये केस की खासियत ये है कि जो नाजिया की छोटी बहन है आफरीन बेगम, इसका एक स्टेटमेंट काफी है उसको लाइफ दलाने को। और हम गवर्नमेंट से यह मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान, उसमें हमारे विश्वेश्वर रेड्डी साहब भी सेम डिमांड करने वाले हैं। और वो ये डिमांड है, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रोसिक्यूट करना, 6 मंथ्स के अंदर नाजिया की पूरी फैमिली को जस्टिस मिलना, फिर से नाजिया एक एग्जाम्पल बनना। और जो नाजिया के साथ हुआ वो कोई भी बच्ची के साथ नहीं होना, ये हमारी और सबकी मांग है। रही बात एक्स ग्रेशिया देना, इनको 50 लाख रुपए, डबल बेडरूम देना, ये तमाम चीज तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे, मगर अहम चीज जो है वो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट। और हमारा तो दिल ये बोल रहा था और हम कोशिश भी करें कि कुछ इनकाउंटर के वैसा कुछ हो जाए, बट ये चीज आगे बढ़ गई थी। जब भी जुडिशरी में बात चले जाती, बात आगे बढ़ती तो मुश्किल हो जाती। तो रही बात इंसाफ तो दिलाना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट दलवाएंगे, हुकूमत के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री को गुजारिश करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि मुख्यमंत्री ये बात मान लेंगे, अगर से प्यार मोहब्बत से नहीं माने तो थोड़ा बहुत एहतजाज करेंगे। और बराबर इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके नाजिया और नाजिया के पूरे परिवार को, उनके पूरे खानदान को, उनकी पूरी फैमिली को इंशाल्लाह हम इंसाफ दिलाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद। सर अभी जो ये फैमिली है इनकी, अभी जो थोड़ा पूर है तो ये जो है आगे के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोर्ट कचहरी है, वकील का है, तो क्या फिरोज खान साहब और कांग्रेस पार्टी इसमें हेल्प करेंगे, या आपसे यहाँ से फॉलोअप करेंगे केस को? 100% कोई वकील की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी वकील दे देगा, बेस्ट ऑफ द वकील, जितने भी सबसे बेहतरीन बड़े वकील है वो हम प्रोवाइड कर देंगे इनको लीगल एड के लिए वो। एंड रही बात जब भी
आफरीन का स्टेटमेंट रहेगा, फिरोज खान आफरीन के बाजू ठहरेगा और आफरीन को हिम्मत देगा कि जो हकीकत हुई और जो सच है वो आप अदालत के सामने रखे, क्योंकि आपके स्टेटमेंट के बुनियाद पे मधु यादव को लाइफ गिरने वाली है। तो कांग्रेस और फिरोज खान कब बीविंग के साथ है, और हम आपको एक बात आज फिर से क्लियर कर देना चाह रहे हैं, आफरीन को सपोर्ट करने हम इसलिए आए सिर्फ इंसानियत, और यहां पे हम सियासत करने नहीं आए। एक मासूम बच्ची की लाश पे या उसके इंतकाल पे हम नहीं समझते कि हम सियासत करना।